तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो वुलेन जो फंक्शन होते हैं वो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो जैसे यूनियन, सब्ट्रैक्शन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन का मतलब दो जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मिला देना, सब्ट्रैक्शन मतलब एक से दूसरे को दो मिले हुए उनसे एक से दूसरे को माइनस कर देना तो जो रिमेनिंग शेप है वो बच जाएगा। इसी तरह से इंटरसेक्शन का दो मिले हुए हैं उसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको प्राप्त करना। तो इस तरह से सॉलिड जो कोई हम बनाए हैं कैड में उसमें हम इस तरह के ऑपरेशंस करके जो हम डिजायर्ड शेप है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो भी डिजायर्ड हम ऑब्जेक्ट है 3D में वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कमांड्स भी होते हैं, ये शेल कमांड का प्रयोग कैसे किया जाता है सेपरेट कमांड का, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में। इसके अलावा 3D जो ऑपरेशंस हैं जैसे 3D अरे, अरे का मतलब होता है एक निश्चित क्रम में किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। जैसे एक सर्कल लें और 360 डिग्री यानी उसको सर्कल में हम चारों साइड व्यवस्थित कर दें, या रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में उसको व्यवस्थित करें तो वो अरे कहलाएगा। मिरर का मतलब होता है एक जो एक लाइन है उसके उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बना देना, कॉपी कर देना, बना देना, तो वो मिरर इमेज कहते हैं। रोटेट करना मतलब घुमा देना किसी भी एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये रोटेट कमांड इस तरह से आप कर सकते हैं। फिलेट एंड चैम्फर्स, फिलेट क्या होता है, जो जैसे कॉर्नर होते हैं जो कोने होते हैं शार्प होते हैं जो नुकीले, तो उनको किसी रेडियस से फिलेट कर दिया जाता है। ये आप ऑपरेशन अच्छे से जानते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में भी आपने पढ़ा होगा। तो फिलेट करना मतलब उसको घिस करके उसको फिलेट कर देना है किसी रेडियस से, यानी घुमावदार बना देना कोनों को। और चैम्फर को क्या, चैम्फर में क्या किया जाता है कि उसको रेडियस से घुमाया नहीं जाता बल्कि उसको सीधा कट कर दिया जाता है कॉर्नर को, तो उसको चैम्फर कमांड कहते हैं। तो ये सारा फिलेट एंड चैम्फर्स आप आसानी से आपको पता है और आप देख सकते हैं, तो ये सॉल्ट कॉन्सेप्ट बना करके आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि इनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उनका जवाब दे सके। अब डायमेंशनिंग ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, डायमेंशनिंग ऑफ सॉलिड्स का मतलब सॉलिड में जो डायमेंशनिंग यानी उसकी बेमायत बताना, एक्स में लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी, त्रिज्या कितनी, ये सब चीज़ें। अब जैसे NC, CNC, DNC क्या होती है, इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिए। NC मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, DNC मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, G-कोड, M-कोड क्या होते हैं, तो G-कोड का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक कोड। जियोमेट्रिक कोड आप ये बताइए कि जैसे जो कटिंग टूल है वो पदार्थ को कटाई करता है, तो आपको उसको रास्ता तो बताना पड़ेगा ना कि इस रास्ते से पहले जाओ, ये कोऑर्डिनेट फॉलो करो, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ। तो वो G-कोड के द्वारा हम क्या करते हैं कि टूल को बताते हैं कटाई औजार को कि कैसे मूव करना है, कितना तेज गति से मूव करना है और किस पथ को फॉलो करना है, जो रास्ता है कौन सा फॉलो करना है काटते समय। वो ऑटोमेटिक कट करता है CNC मशीन में, तो उसको रास्ता बताना पड़ता है जो कि हम प्रोग्रामिंग के द्वारा बताते हैं या कोड के द्वारा बताते हैं। तो ये काम जी कोड के द्वारा किया जाता है। तो जी कोड क्या करता है, मशीन को निर्देशित करता है कि कैसे मूव करना है, कहाँ मूव करना है, कितना तेज गति से मूव करना है और किस पथ को फॉलो करना है। एम कोड का फुल फॉर्म होता है मिसलेनियस कोड। मिसलेनियस कोड का मतलब होता है जो मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका कूलेंट चल रहा है तो कूलेंट को ऑन एंड ऑफ करना है, या फिर जो पैलेट है उसको बदलना है, पैलेट चेंज करना है, या फिर जो स्पिंडल का रोटेशन है उसको स्टार्ट या स्टॉप करना है। तो इस तरीके के जो मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं उनको संपन्न कराने के लिए एम कोड का प्रयोग किया जाता है, और एम का मतलब है मिसलेनियस से, तो एम कोड मतलब मिसलेनियस कोड और जी फॉर जियोमेट्रिक, यानी कि जी कोड मतलब जियोमेट्रिक कोड। तो आप समझ गए होंगे जी कोड एम कोड, इससे संबंधित यदि कुछ भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। अब FMS मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या तात्पर्य है, मैंने आपको सारा बता रखा है, आपने नोटबुक में लिखा भी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को ढाल ले। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मतलब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो बदली हुई परिस्थितियों यानी अचानक से जो आपका ऑब्जेक्ट है जो आप उत्पाद बना रहे हैं उसकी बीमाओं में परिवर्तन हो जाए या उसकी संख्या अचानक बढ़ जाए, तो वो मशीन अपने आप को पूरे सिस्टम को अपने में समाहित करके उसके अकॉर्डिंग उत्पादन कार्य कर सके। सीधा सीधा उससे ही समझ में आ रहा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के प्रकार के इतने होते हैं, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, रूट मतलब होता है रास्ता, तो या पथ उसको हिंदी में कहते हैं। तो यदि विभिन्न पथों या रास्तों से उत्पाद बनाने की योग्यता, जैसे जिससे मशीन की खराबी, श्रमिकों की कमी, पदार्थ की अनुपलब्धता इत्यादि कारण उत्पादन रुके नहीं। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मशीन खराब हो गई, तो अगर मशीन खराब हो गई तो उत्पादन कार्य तो रुक जाएगा, या श्रमिक मान लीजिए नहीं आए या पदार्थ उपलब्ध नहीं हुआ, तो उसमें ऐसी व्यवस्था रहती है रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में कि यदि ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं
तो भी उसके पास दूसरे रास्ते रहते हैं उत्पाद को बनाने के, निर्माण करने के। तो ये कहलाता है रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में इस तरीके की व्यवस्था होती है कि यदि ये मशीन की ख़राब हो जाए, मशीन श्रमिकों की कमी हो जाए या पदार्थ अनअवेलेबल हो जाए इत्यादि, ये सब कारणों की वजह से जो अलग रास्ते होते हैं या विभिन्न तरीके होते हैं जिससे उत्पाद को बनाया जा सके, तो ये रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसमें मशीन से रिलेटेड, अगर मशीन के अंदर क्षमता है नए प्रकार के उत्पाद बनाने की तो उसको हम कहेंगे कि मशीन फ्लेक्सिबल है, यानी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस तरह से मशीन फ्लेक्सिबिलिटी में क्या चीज़ें आएंगी, जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादों की संख्या, उसके प्रकार इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों को समाहित करने की योग्यता होती है। अब बात कर लेते हैं उत्पादन प्रक्रम में परिवर्तनों के प्रकार। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन मतलब एक्सटर्नल चेंजेस, आंतरिक परिवर्तन मतलब इंटरनल चेंजेस। बाह्य परिवर्तन में क्या, तो बाह्य मतलब जो हम बाहर से हमको ऑर्डर मिलता है, यानी बाहर से संबंधित है। जैसे उत्पाद के प्रकार में परिवर्तन, तो ये तो ऑर्डर हमको मिलेगा ना किस प्रकार का उत्पाद बनाना है। उत्पादों की संख्या में परिवर्तन, ये बाहर से ऑर्डर मिलेगा। तो बाह्य परिवर्तन में आता है कि 100 बनाना है कि 1000 की 500। प्रोसेसिंग की आवश्यकता में परिवर्तन, ये भी हमको बाहर से ही ऑर्डर मिलेगा। तो ये सब बाह्य परिवर्तनों में आते हैं। आंतरिक परिवर्तनों में आते हैं जो इंटरनल, जैसे मशीन खराब हो गई, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम खराब हो गया, प्रोसेसिंग टाइम में परिवर्तन हो गया, मानव ऑपरेटर जो ह्यूमन ऑपरेटर था वो अब्सेंट हो गया, अनुपस्थित हो गया, गुणवत्ता की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब इंटरनल चेंजेस यानी कि आंतरिक परिवर्तन में आते हैं। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ FMS यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स या घटक होते हैं वो प्रमुख कौन कौन से होते हैं, तो ये चार घटक होते हैं प्रमुख, मैंने आप लोगों से बताया था, इसको फिर माइंड में बैठा लीजिए। एक तो प्रोसेसिंग मशीन या वर्क स्टेशन होता है, यानी वो CNC मशीनें जो लगी होती हैं उन्हीं को कहते हैं, वही प्रोसेसिंग मशीन होती हैं, CNC मशीनें, तो CNC मशीनें भी हम इनको कह सकते हैं, प्रोसेसिंग मशीन्स भी कह सकते हैं, या फिर वर्क स्टेशन उन्हीं को बोला जाता है जहाँ एक साथ CNC मशीनें लगी हों। दूसरा होता है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में बेल्ट कन्वेयर वगैरह होता है, और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है तो वहाँ पर रोबोट्स प्रयोग किए जाते हैं, तो वो यही मटेरियल हैंडलिंग का काम करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग सारा चीज़, ये सब काम रोबोट्स के द्वारा किया जाता है। तीसरा है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम एक होता है जहाँ से पूरी प्रक्रिया को गवर्न किया जाता है, देखा जाता है कि कोई कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है, कोई कहीं किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और चौथा मानव ऑपरेटर होता है जो पूरी प्रक्रम पर नज़र रखता है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के माध्यम से। अब एक टीच पेंडेंट मैंने आपसे बताया था कि FMS की जो प्रोग्रामिंग होती है पूरे सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए टीच पेंडेंट का प्रयोग किया जाता है। एक हाथ में पकड़ने वाला एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट बटन होते हैं जिससे हम पूरे FMS की प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं, या एक तरह से कहें FMS की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब ये आपको FMS के लाभ हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ, उसको पढ़ लीजिए, अलाभ कौन कौन से, अनुप्रयोग एप्लीकेशंस और FMS की आवश्यकता क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे तो आपसे यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको आंसर दे सकते हैं आसानी से। अब रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग बताया था कि ये आपका 6वां चैप्टर शुरू हो गया। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग तकनीकों का एक समूह है जिसका प्रयोग 3D CAD डेटा की सहायता से किसी पार्ट के स्केल मॉडल का निर्माण किया जाता है। तो किसी पार्ट का निर्माण या असेंबली के लिए 3D प्रिंटिंग या एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग, मैंने एडिटिव मतलब जोड़ते जाना, लेयर मतलब परा, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन, तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है, परत दर परत जोड़कर उत्पादन किया जाता है। स्केल मॉडल आपसे बताया था कि स्केल मॉडल किसी वास्तविक वस्तु की छोटे या बड़े साइज में बनाई गई नकल होती है, यानी कोई वस्तु है उसको हम छोटे साइज में बना दें या बड़े साइज में, तो जनरली छोटे साइज में बनाई जाती है क्योंकि ये प्रोटोटाइप मॉडल निर्माण के लिए किया जाता है। तो किसी वास्तविक वस्तु का छोटा सा मॉडल जो उसके भौतिक गुणों को प्रदर्शित करे स्केल मॉडल कहलाता है। हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, स्केल मॉडल को इस तरह से बनाया जाता है कि उसके सभी महत्वपूर्ण गुण बिल्कुल वास्तविक वस्तु की तरह दिखें। प्रोटोटाइप क्या होता है, परीक्षण के उद्देश्य से बनाया गया किसी वस्तु का मॉडल प्रोटोटाइप कहलाता है। कोई भी बड़ी मशीन को वास्तविक निर्माण से पूर्व उसका एक कार्यकारी मॉडल बना लिया जाता है। एक्चुअल मशीन नहीं पहले सीधा बनाई जाती, पहले एक मॉडल प्रोटोटाइप के रूप में एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उसका परीक्षण करके उसके व्यवहारिक होने संबंधी अध्ययन किया जाता है, और प्रोटोटाइप का परीक्षण सफल होने पर वास्तविक उत्पाद के निर्माण संबंधी निर्णय लिया जाता है। अब एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, पदार्थ की परत के ऊपर परत जोड़कर उत्पादन की प्रक्रिया जो करते हैं उसे कहते हैं एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग। तो 3D प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, कंप्यूटर नियंत्रण के द्वारा पदार्थ की परत पर परत जोड़कर 3D उत्पाद का निर्माण किया जाता है। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना या कम करना,
तो परंपरागत मशीन इन प्रक्रम जैसे खरादन यानी कि लेथ मशीन में जो मिलिंग में आप क्या करते हैं, मूल पदार्थ से अवांछित पदार्थ को काटकर वांछित उत्पाद तैयार करते हैं, तो इसे सबट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, वही कैड में बनाए गए मॉडल से 3D मॉडल बनाने की जो प्रक्रिया 3D प्रिंटिंग कहलाती है। 3D प्रिंटिंग में एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत पदार्थ की एक के ऊपर एक परत को जोड़कर 3D मॉडल बनाया जाता है। अब 3D प्रिंटिंग की जो प्रमुख विधियाँ हैं इनको जान लीजिए, चार प्रमुख विधियाँ हैं जो आपके सिलेबस में हैं। एक तो कहलाता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, इसको शॉर्ट में FDM कहते हैं। लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग LOM कहते हैं। सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग SLN कहते हैं, SLS कहते हैं, और स्टीरियो लिथोग्राफी SL कहते हैं। तो ये चार प्रमुख हैं, इनके मेन कॉन्सेप्ट आप ज़रूर पढ़ लीजिए और इनके डिफरेंट नेम्स क्या हैं, शॉर्ट में इनको क्या कहते हैं, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिए। तो जैसे फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग को संक्षेप में FDM कहते हैं, इसको फ्यूज फिलामेंट फेब्रिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो थर्मोप्लास्टिक पदार्थ होता है उसको फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके दो नाम हो गए, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये किस तरह के पदार्थों के लिए यूज किया जाता है, तो ये थर्मोप्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग इसमें किया जाता है 3D मॉडल बनाने के लिए। लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसमें पेपर प्लास्टिक या धातु की पत्तियों को परतों के रूप में एक के ऊपर एक रख करके ताप एवं दाब का प्रयोग करके जोड़ दिया जाता है और फिर उसको चाकू या लेजर कटर की सहायता से वांछित आकृति में काट लिया जाता है। और पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए चिपकने वाले पदार्थ या एडहेसिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये LOM या LOM कहलाता है, यानी कि आपका लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग देखिए, इसमें शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये पाउडर मेटलर्जी जो आपकी होती है, यानी पदार्थ जो प्रयोग किया जाता है वो पाउडर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। और इसमें लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है इसमें, इसको ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो इसमें सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग को शॉर्ट में SLS कहते हैं। ये भी एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है जिसमें पदार्थ के पाउडर को, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च पावर सोर्स वाली लेजर की सहायता से परत दर परत जोड़कर 3D सॉलिड में बदला जाता है। तो इसमें जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में प्रयोग किया जाता है, पाउडर के रूप में। और इसमें लेजर वाले उच्च सोर्स वाले लेजर होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, इसमें इसका प्रयोग करके प्लास्टिक धातु सेरामिक गिलास इत्यादि के पाउडर की सिंटरिंग करके वांछित 3D आकृति में बदला जाता है। स्टीरियो लिथोग्राफी, इसको शॉर्ट में SL कहते हैं, स्टीरियो लिथोग्राफी उपकरण भी कहते हैं। ऑप्टिकल फैब्रिकेशन, फोटो सॉलिडिफिकेशन, रेजिन प्रिंटिंग जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो यह एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें फोटोकेमिकल द्वारा, ये देखिए नाम रख याद रख लीजिए माइंड में, इसमें फोटोकेमिकल प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है स्टीरियो लिथोग्राफी में। तो इसमें फोटोग्राफ केमिकल प्रक्रम द्वारा परत दर परत जोड़कर 3D मॉडल का निर्माण किया जाता है। अब रोबोटिक्स पे आ जाते हैं, सातवां चैप्टर है, तो रोबोटिक्स आप सब जानते हैं। तो रोबोटिक्स वह ब्रांच है विज्ञान की जिसके अंतर्गत रोबोट का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरे और शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें रोबोट के डिजाइन, उसके निर्माण, नियंत्रण एवं ऑपरेशन संबंधी अध्ययन किया जाता है, रोबोटिक्स कहलाती है। तो रोबोटिक्स आपसे बताया था विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की एक अंतर विषयक शाखा है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी, कंप्यूटर साइंस भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, मैकाट्रॉनिक्स भी, बायो इंजीनियरिंग इत्यादि, ये सभी विषय सम्मिलित होते हैं रोबोटिक्स के अध्ययन में। अब रोबोट का कॉन्सेप्ट क्या है, सरल भाषा में बताना चाहें तो रोबोट एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो दिए गए विविध कार्यों को संपादित करता है, या एक तरह से हम कहें कि एक तरह की स्वचालित मशीन है जो मनुष्य की तरह किसी दिए गए कार्य को संपादित करती है। तो रोबोट एक तरह की प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो स्वचालित रूप से एक निश्चित गति एवं यथार्थता के साथ किसी दिए गए कार्य को संपादित करती है। तो विभिन्न तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप रोबोट का जरूर समझ लीजिए। अब रोबोटिक्स के नियम, आप रोबोटिक्स के नियम किसने दिए थे, आईजैक आसिमेव, आपसे बताया था मैंने। तो आसिमेव के नियम भी इनको कहा जाता है। तो इसके चार नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, और जो चौथा नियम है उसको चौथा नियम ना बोल करके जीरो नियम बोला जाता है। तो वो प्रथम नियम के क्योंकि पहले आता है सिक्वेंस में। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि रोबोट किसी इंसान को घायल नहीं कर सकता है और ना ही अपनी निष्क्रियता से घायल करने की किसी को अनुमति दे सकता है, तो ये प्रथम नियम कहलाता है। द्वितीय नियम है कि रोबोट को मानव द्वारा दिए गए आदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए,
किंतु शर्त यह है कि प्रथम नियम की विरोधाभासी ना हो। विरोधाभासी ना हो का मतलब है कि पालन तो करना चाहिए, लेकिन एक मनुष्य रोबोट बनाए और कहे दूसरे इंसान को घायल कर दो तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए, ये इसके कहने का मतलब है। तीसरा नियम है कि रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, किंतु ये नियम प्रथम और द्वितीय नियम की विरोधाभासी ना हो। तृतीय नियम, अपने अस्तित्व की रक्षा करे यदि उसके ऊपर कोई अटैक करे, लेकिन वो ये नहीं कि किसी को घायल करे इंसान को, और ना ही किसी अपने जो आदेश उसको दिए जा रहे हैं उनकी अवहेलना करे। तो ये तृतीय नियम है। जीरो नियम क्या है, रोबोट मानवता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो ये प्रथम नियम की तरह मानव की जगह मानवता आ गया, तो ये प्रथम नियम के पहले इसको रखा जाता है, इसलिए जीरो नियम इसको हम कहते हैं। अब ये कार आवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इन्वॉल्व क्या होता है, तो वह रोबोट जब कार करता है तो आप गति करता है, आपको पता है पूरे स्पेस में, तो वो गति के कारण जो 3D वो जो कवच बन जाता है या आकार बन जाता है स्पेस में, उसी को वर्क इन्वॉल्व कहते हैं। तो कार आवरण वह होता है कि जिसमें रोबोट कार के दौरान गति करता है, एक तरह से हम कहें तो ये रोबोट की पहुंच का क्षेत्र होता है, यानी जहां तक रोबोट पहुंच सकता है गतियों के दौरान, वही जो आवरण बन जाता है उसको कार आवरण या वर्क इन्वॉल्व कहते हैं। तो रोबोट की गति के कारण स्पेस में जो आकार बनता है उसे वर्क इन्वॉल्व कहते हैं। अब रोबोट आगे पीछे गति करता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है, तो कुछ ना कुछ तो एक आकार बनेगा ना, जिसे हम वर्क इन्वॉल्व कहते हैं। अब जैसे कार्टीजन, सिलिंड्रिकल, पोलर आर्टिकुलेटेड, स्कारा, ये सब रोबोट होते हैं कन्फिगुरेशन के आधार पर। तो कार्टीजन रोबोट जो होता है उसका जो वर्क इन्वॉल्व होता है वो क्यूबिक होता है, बॉक्स की तरह बनता है, आपको मैंने बताया अभी था उसमें चित्र के द्वारा। सिलिंड्रिकल जो रोबोट होता है उसका वर्क इन्वॉल्व बेलनाकार होता है। इसी तरह जो पोलर रोबोट होता है उसका जो वर्क इन्वॉल्व होता है वो स्फेरिकल या गोलाकार होता है। आपको रोबोट कॉन्फ़िगरेशन या रोबोट ज्योमेट्री, कार्टीजन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, पोलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जॉइंटेड आर्म कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये सारे मैंने आपको चित्र सहित समझाए हैं वीडियो में, यदि आपको समझ ना आए हो तो आप दोबारा भी वीडियो देख करके समझ सकते हैं। स्कारा होता है तो स्कारा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्कारा का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म, ये स्कारा का फुल फॉर्म होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब रोबोट की गतियाँ कौन कौन सी, तो रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति करती है एक लिंक दूसरी लिंक पर, जैसे रैक एवं पिनियन की गति रेखीय सरल रेखीय गति होती है। एक्सटेंशन गति मतलब जब एक अंग दूसरे अंग के अंदर स्लाइड करता है, तो इस प्रकार की गति को एक्सटेंशन गति कहते हैं। रोटेशनल गति जैसे जब एक लिंक दूसरी लिंक पर अपने सेंटर के अतिरिक्त दूसरे सेंटर पर टर्न करती है या घूमती है, तो उसे रोटेशनल गति कहते हैं, जैसे दरवाजे के हिंज जोड़ जो होते हैं। ट्विस्टिंग गति होती है, ट्विस्टिंग मोशन होता है जब इसमें एक लिंक अपने ही केंद्र पर घूर्णन करती है, जैसे मानो हम अपने गर्दन को घुमाते हैं चारों तरफ, तो उसको घूर्णन ट्विस्टिंग गति कहेंगे, मरोड़ गति। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, यानी स्वतंत्र संख्याएं, तो किसी पिंड की स्वतंत्र गतियों की संख्या को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, DOF शॉर्ट में लिखते हैं। अर्थात किसी कोई रोबोट जितनी अक्षों या दिशाओं में गति कर सकता है उसे उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो रोबोट को उसके पूरे कार्य क्षेत्र में गति करने के लिए अधिकतम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता पड़ती है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब अगर हम गतियों में बदलें तो टोटल 12 गतियां हो सकती हैं, यदि हम दिशाओं को भी लें। जैसे एक्स में धन और ऋण दिशा एक्स की तो 2 हो गए, वाई में धन और ऋण दिशा 2 और जेड में धन और ऋण दिशा, ये ट्रांसलेशन गतियाँ होती हैं, तो ये 6 हो गई। इसके अलावा रोटेशनल गति एक्स के अगर अबाउट क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज करता है तो 2, वाई के अबाउट 2 और जेड के अबाउट 2, तो ये 6 रोटेशनल हो गई। तो 6 ट्रांसलेशन और 6 रोटेशनल, कुल मिला के 12 गतियाँ संभव हो सकती हैं, और इनको हम शॉर्ट में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, यदि हम उसको डायरेक्शन को ना लें। अब रोबोट आर्म में निम्नलिखित 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जो रोबोट आर्म होते हैं वो घूर्णन करता है, बेस के चारों तरफ घूम जाता है दाएं से बाएं। त्रैज गति यानी बेस को आर्म के बाहर और अंदर लाता है, तो उसको रेडियल मोशन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति यानी वर्टिकल मोशन, ऊपर की ऊपर एवं नीचे की जो गति करता है, अभी चित्र में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये सारा आप है, ये देखिए बेस के अराउंड घूम जा रहा है, अंदर बाहर जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, ये शोल्डर एल्बो है, और ये आपका ये जो आपका रिस्ट होती है इसमें भी 3 गतियाँ होती हैं। रिस्ट में पिच या बैंड होता है, यानी रिस्ट की ऊपर नीचे जो गति करता है उसको पिच या बैंड कहते हैं। जो रिस्ट के दाई और बाई दिशा में की गई गति को यॉ कहते हैं, और जो रोल या जो आपका रिस्ट होता है वो घूम जाती है उसको हम कहते हैं घूर्णन, या इसकी स्वीवेल या रोल कहते हैं उसको, हैंड के घूर्णन को रोल या स्वीवेल कहते हैं। तो ये 3 गतियाँ होती हैं जो कि आपके किस में होती हैं, रिस्ट में। ये जो आपका रिस्ट है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो इसमें आपकी गतियाँ होती हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं और जो घूर्णन गति होती है वो।
अब इसके अलावा देखो रोबोट प्रोग्रामिंग बताया था, ऑफलाइन प्रोग्रामिंग होती है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग होती है। तो ऑफलाइन प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं, सिस्टम को किसी कंप्यूटर लैपटॉप या उससे जोड़ देते हैं और फिर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, या पेन ड्राइव से लाकर भी हम डेटा उसमें दे सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में कार्य करने के दौरान ही उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में मैंने बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक तो टीच पेंडेंट मेथड होता है और दूसरा होता है लीड थ्रू मेथड। तो ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, इसका वीडियो भी मैंने बताया था एनिमेशन के साथ, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वर्क सेल क्या होता है, किसी रोबोट या मशीनों का समूह जो होता है, पेरिफेरल्स मतलब सहायक उपकरणों का ये जो समूह होता है उसी को वर्क सेल कहा जाता है। तो वर्क सेल में निम्नलिखित चीज़ें आती हैं, एक तो पार्ट्स फीडर हो गया, मोल्डिंग मशीन हो गई, रोबोट हो गई, ये सारा चीज़ मिलकर के क्या कहलाता है, वर्क सेल। अब इसके अलावा कुछ और भी टेक्नोलॉजी होती है रोबोट से संबंधित, जैसे इंटरलॉक टेक्नोलॉजी। इंटरलॉक टेक्नोलॉजी होता है जब जैसे किसी मशीन में यदि इंटरलॉक लगा हुआ है टेक्नोलॉजी, तो वो क्या है, अगर जैसे दरवाज़ा खुला है तो मशीन आप स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी, ये चीज़ है। तो यह जैसे कोई भी ऐसी सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ नहीं है तो मशीन चलेगी ही नहीं, तो इस ये इंटरलॉक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, ये सेफ्टी के लिए इसमें लगाया जाता है। और रोबोट सेंसर्स होते हैं, सेंस करना, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, टच सेंसर होते हैं, इसके अलावा और भी तरह के होते हैं, तो उनको एक बार आप देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंडस्ट्रियल रोबोट, इंडस्ट्रीज़ में जो रोबोट्स यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लाभ अलाभ यानी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस, रोबोट्स किस तरह के कार्य कर सकते हैं, ये सब आपको मैंने लिखवा दिया है, वीडियो के माध्यम से भी बता दिया है, तो उसको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। रोबोट के लाभ कौन कौन से हैं, रोबोट के अलाभ यानी डिसएडवांटेजेस कौन कौन से, एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, किस तरह के कार्यों को करने में ये रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से उसके ऐसे लाभ हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो काम रोबोट कर सकता है, ख़तरनाक कार्यों में, स्पेस में, पानी के अंदर जाने में, आग हो, विस्फोटक पदार्थ हों, कोई ज्वलनशील पदार्थ हों या कोई ख़तरनाक गैसें हों जो आदमी के लिए हानिकारक हो, वहाँ रोबोट काम कर सकता है। एक ही तरह चलने वाले जो नीरस कार होते हैं उनको करने में रोबोट कार करता है। अब ये तो जो प्रमुख बात थी वो कर लिया, जो भी बचा हो तो आप इसको देख लीजिए, अगर कुछ बचा रह गया हो आप उसमें विशिष्ट रूप से जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं अलग से वीडियो बनाकर उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पूरा हमने बता दिया, आपने उसको समझ लिया, अब इसको समझने के बाद आपको जब सारा चीज़ हो जाए, ये आप जो वीडियो मैंने आपको दिखाया सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ आपने देख ली, नोटबुक में लिख रखी है, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और कैट कैम के MCQ यानी MCQ ऑफ कैट कैम या ऑब्जेक्ट कैट कैम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स नाम से गूगल में सर्च करिए, उसमें जो टॉप की वेबसाइट्स मिले 5-6 उनके जो MCQ उसमें जो दिए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में एक एक MCQ पढ़ते जाइए, जो सिंपल हों जो आपकी नोटबुक में लिखे हों उनको छोड़ दीजिए, जो कठिन लगें जो अलग से हटकर लगें उनको मेन पॉइंट्स आप उनके नोट कर लीजिए नोटबुक में। ये आखिर क्यों जरूरी है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए जो प्रश्न पत्र जिसने बनाया होगा, आपके 25 प्रश्न आएंगे आप सेकंड ईयर में, तो 25 प्रश्न आएंगे, एक घंटे का समय रहेगा परीक्षा में, तो वो कहीं ना कहीं से हो सकता है स्वयं से ना बनाया हो प्रश्न, तो वो हो सकता है कि जैसे आप सर्च कर रहे हैं ऐसे वो भी सर्च किया हो, जो पेपर बनाने वाला है कैट कैम के MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो तो अच्छी वेबसाइट्स निकल कर आई हों उसी में से उसने 25 प्रश्न कॉपी पेस्ट कर लिए हों इंग्लिश और हिंदी दोनों में, या इंग्लिश में कर लिए हों फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया हो, तो वो उससे बड़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर इस तरीके कुछ प्रश्न हैं जो आपके कॉन्सेप्ट सिलेबस में कवर नहीं हो पाए हैं तो वो उसमें आ जाएंगे। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार क्या होता है कैट कैम का जो सिलेबस है, जैसे बीटेक में भी कैट कैम बच्चे पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस थोड़ा सा बृहद होता है, और कुछ जो डिप्लोमा के सिलेबस से हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन वेबसाइट्स में जो दिया होगा कैट कैम के नाम पर तो वो सारा दिया होगा, वो जरूरी थोड़ी है कि डिप्लोमा के हिसाब से दिया हो। तो जो पेपर बनाने वाला हो सकता है वो हो सकता है ज़्यादा सिलेबस में ना ध्यान दे करके जो प्रश्न मिल जाए उन्हीं को उठा करके आपको जो हो तो उसमें प्रश्न पत्र में दे दे, तो वो उस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप उसको रेडीमेड बिल्कुल याद करने के लिए लिख लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट उसमें प्रश्न इस तरीके के उसमें पूछ रहा था और उसकी ये आंसर, तो बस बिंदुवार लिख लीजिए, आप कितने भी आलसी हों एक घंटे का दो घंटे का समय देंगे तो सारा कवर हो जाएगा। और अगर आपके साथ में आपके दोस्त रहते हैं, फ्रेंड्स, रूम पार्टनर रहते हैं, आपकी ब्रांच के और साथी मिलकर के पढ़ाई करते हैं, तो एक एक वेबसाइट सब लोग पकड़ लीजिए, एक वेबसाइट के एक बच्चा नोट कर ले, दूसरी वेबसाइट का दूसरा, तीसरा, फिर मिल करके तीनों लोग स्टडी कर लीजिए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारा चीज़ हो जाएगा, और फिर आप देखिए आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप सभी को परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जो भी आपके कमेंट्स हों कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ ज़रूर बताइए, कुछ आपका छूट गया हो, रह गया हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं उनको बताइए, ताकि मैं एक नया वीडियो बना करके आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ, आपकी मैं आपको मैं पूरा गाइड कर सकूँ। और इस तरीके के और उपयोगी वीडियोज़ के लिए मैं आपके सामने आता रहूँगा, परीक्षा से संबंधित जो उपयोगी जानकारियाँ हैं उनको लेकर आता रहूँगा। अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन